अगली खबर पंजाब दी अमृतसर पूर्वी हॉट सीट दे नाल जुड़ी हुई है, जिथे हॉट सीट दे नतीजियां नूं लैके लोकां दे विच काफी उत्सुकता है। जिहड़े उत्थे उम्मीदवार भिड़ रहे ने उहनां नूं तां रातां नूं नींद नहीं पैंदी होणी, अते दूसरे जिहड़े सियासी लीडर ने उह वी घट दिलचस्पी नहीं लैंदे इस सीट दे नतीजियां ते। बीजेपी दे लीडर तरुण चुग ने दावा कीता है कि नवजोत सिंह सिद्धू हारणगे। उहनां ने बिक्रम मजीठिया बारे कोई बयान नहीं दिता, यानी कि बिक्रम मजीठिया ने जो बयान दिता सी कि बीजेपी दे नाल गठजोड़ बारे सोचा जा सकता है, तो हुण बीजेपी भी उस तरह के नरम बयान देने लगी है। दावा किया कि सिद्धू हार रहे ने, पिछले 5 साल च इन्हां नूं माफिया याद क्यों नहीं आया। सिद्धू साहब हारन जा रहे ने, लेकिन मैं सिद्धू साहब नूं पुछना माफिया राज की गल अज क्यों? 5 साल तुसी हुणे ताजे ताजे सरकार च रह के आए, मंत्री रहे, गड्डियां रहियां, झंडी वाली गड्डी, दफ्तर ऑर्डरली तुसी हैगे सी, जिहनूं मर्जी ऑर्डर दे सकदे सी, लेकिन माफिया राज खत्म करन दा केवल बहाना ही क्यों? 5 साल कीता क्यों नहीं? हुण ते विपक्ष जा रहे हो, सत्ता च बह के क्यों नहीं होया? और वो सरकार जिस सरकार ते तुसी फादरली फिगर सी, जिहड़ी सरकार चन्नी सरकार तुसी लैके आए सी, उस चन्नी सरकार दे अंदर सब ना ज्यादा रेत माफिया सरगना इसी तरह अमृतसर तो कांग्रेस दे एमपी गुरजीत सिंह औजला ने भी बयान दिता, कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रति अमृतसर पूर्वी हलके दे लोकां विच नाराजगी सी। इसका कारण है कि नवजोत सिद्धू अपने हलके दे लोकां तो दूर रहिंदे सी। उन्होंने जिहड़ा ये बयान, उन्हां दा ये बयान किस गल वल इशारा करता है, क्योंकि सिद्धू भी कांग्रेस के प्रधान ने ते औजला भी कांग्रेस के एमपी ने। नतीजा तो बंद हो चुका है और देखिए अब क्या होता है, ये तो अब पता चलेगा, क्योंकि लोगों में सिद्धू साहब की भी बहुत नाराजगी थी, मिले नहीं, गए नहीं 5 साल, क्योंकि एक नेशनल लीडर होने की वजह से कम टाइम दे पाए, तो एक जो उनका बोलने का तरीका था वो भी लोग नापसंद करते थे। अभी यही है ना, ये जो परसेंटेज बहुत कम हुई है ये तो सिद्धू साहब के हक में लग रही है, लेकिन जिस तरीके से मोबिलाइजेशन आम आदमी पार्टी के उस हल्के में हुई है, जैसे और अकाली दल की हुई है, अब ये तिकोनी सी टक्कर बनी हुई है।